यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है कि यहाँ पे शराब माफिया आया, यहाँ पे टोल माफिया यहाँ पे आ गया हुआ है, यहाँ पे आप कहेंगे वो खनिज माफिया जिसको आप माइनिंग माफिया बोलते हैं, माफिया यहाँ पे जरूर आया है। नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो, और जो नफरत ये फैलाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को रोड करके, हमारे यहाँ जातिवाद फैला के, हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद फैला के जो हिंदू मुसलमान की वो पॉलिटिक्स करते हैं। एक तरफ से भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ से भाजपा के बड़े बड़े दावे, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो चाहे वो नॉर्मलसी को लेके हो। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त बात करने के लिए पंकज डोगरा जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कुठवा से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एक तरह से जो भाजपा के बड़े दावे और दूसरी तरफ से भारत जोड़ो यात्रा कितना असर डाल पाएगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि भाजपा ने पहले से ही स्टेटमेंट दिए है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये एक फ्लॉप शो है जम्मू कश्मीर में। कल भी देवेंद्र सिंह राणा का एक बड़ा बयान जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले राहुल गांधी जी को क्लियर करना चाहिए कि 370 को लेके क्या स्ट्रेटजी है राहुल जी की। सर, पहले आपका खैर मकदम करना चाहेंगे, और मेरा सवाल पहला, कल देवेंद्र सिंह राणा जी ने ये कहा कि 370 पे पहले राहुल जी को क्लियर स्टैंड करना चाहिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर एंटर होना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र सिंह राणा जी को पहले ये क्लियर करना चाहिए कि 20 साल जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या वो रुख था, क्या उनका पूरा स्टाइल था, और वो 20 साल जिस पावर को वो भोगते रहे, कभी उमर साहब के साथ कभी फारूक साहब के साथ उनकी नज़दीकियाँ रहीं, उस समय वो 370 के बारे में क्या सोचते थे, हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते थे, जम्मू कश्मीर के अवाम के बारे में सोचते थे क्या सोचते थे। नई नई शादी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की है, और कन्वर्टी जो होता है वो बड़ा फैनेटिक होता है। मैं आपको बताऊँ, जो भी आदमी कन्वर्ट करके कहीं दूसरी तरफ जाता है वो इतना आगे निकल जाता है कि दूसरे वाले समझे कि ये तो बड़ा ही कोई आगे निकल गया हमसे, तो वी डोंट टेक हिम सीरियसली। और उनका ये भी नहीं पता है कि आने वाले दिनों में क्या पता उनको दोबारा दोस्ती उमर साहब के साथ प्यार उनका जाग पड़े, या फारूक साहब के साथ उनके रिश्ते द्वारा से जाग पड़े, तो वी डोंट टेक हिम सीरियसली। पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि भाजपा की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, चाहे हम डेवलपमेंट को लेके चाहे नॉर्मलसी को लेके, हाल ही में आपने देखा होगा कि राजौरी के अंदर एक टेरर अटैक होता है जिसमें निहत्ते जो जाने जाती है, किस तरह से आप देखते हैं सब? पहले तो इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो भी सिलेक्टिव किलिंग होती है या टारगेट किलिंग होती है, इसकी हम जितनी भर्त्सना करें, जो भी लोग मारे जाते हैं हमारे अपने लोग हैं, हमारी रियासत के लोग हैं, हमारी हमने धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की जहाँ बात करते हैं, तो ऐसी सब चीज़ों की हम जितनी निंदा कर सकें या जितना उसकी भर्त्सना कर सकें, और स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी लॉ एंड ऑर्डर की या इस समय परोक्ष रूप से यहाँ पर केंद्र राज कर रहा है, तो हमारे लोगों को सुरक्षा या रक्षा नहीं दे पा रहा, उनकी जान माल की सुरक्षा नहीं हो रही, तो ये बड़ा चिंता का विषय भी है और एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो हम यही कहेंगे कि सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति बड़ा संजीदा रहना चाहिए। आप नॉर्मलसी की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सब चीज़ें बाद में हैं, पहले तो है कि सुरक्षा रक्षा, और जो सिलेक्टिव और टारगेट किलिंग इट शुड बी स्टॉप, चाहे वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हो चाहे कोई और स्पॉन्सर्ड हो। तो हम इसकी जितना भी हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम आम जीवन की बात करें तो इंसान का जीवन बड़ा मूल्यवान रहता है, तो ऐसी चीज़ों की हम गौर बरतना करते हैं। पंकज जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा मैं कि कुठवा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कुठवा में अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट आपको दिख रही है आफ्टर एब्रिगेशन, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? एब्रिगेशन के बाद हमें मिल रही है, आप देखेंगे कि हर जगह यूपी बिहार के लोग यहाँ खोमचे लगा के बैठे हुए हैं, ओणी पौनी दामों में यहाँ पर ज़मीनें बाहर के लोग ले रहे हैं, हमारी नौकरियाँ छीनी जा रही हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे कल्चर पर हमला हो रहा है, हमारी हेरिटेज और हमारी आने वाली नस्लें तो हमें माफ़ ही नहीं करेंगी कि कहाँ से ये सब चीज़ें जो नई नई यहाँ पे आई है। और सबसे पहला जो हमला हो रहा है 370 टूटने के बाद कह लीजिए, या हमारे जो हक हकूक हमसे छीने गए हैं, जो महाराजा हरि सिंह साहब ने विलय के समय नेहरू जी के साथ वादा किया था, वो चीज़ें जो अब जा रही हैं, तो सबसे पहले इस ज़िले का नुकसान हो रहा है, हमारे नौजवान हताश हैं, और यहाँ पे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भुखमरी हो रही है, ऐसी चीज़ें तो हमने सपने में नहीं सोची थी। हम तो एक स्टेट थे विद इन स्टेट इंडिया में, हम बड़े स्पेशल प्रोविजंस के साथ और हम अच्छे खासे खाते पीते लगते थे, अब तो यहाँ आने वाले दिनों में तो बड़े मैं कहूँगा कि थिंग्स आर नॉट गुड। जो डिस्ट्रिक्ट कुठवा है, क्या कुछ बदलाव आपको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट कुठवा में? सामने कैमरा घुमाएँ आप, यही एक नेशनल हाईवे यहाँ से लेकर कश्मीर तक जाता है, पिछले 50 साल से यही आ रहा है।
किसी को आप 2 लेन कर लें, 3 लेन कर लें, 4 लेन कर लें, कोई नई लेन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी ट्रैफिक की आप मारादारी देखेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, कोई इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी। यहाँ इंडस्ट्री के नाम पर ज़मीनों लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं और बाहर से लोग आ रहे हैं। हमारे स्थानीय युवाओं को कोई रोज़गार नहीं है, कोई वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कोई डेवलपमेंट नाम की, हाँ सिर्फ यहाँ सबसे पहले वो दस्तक जम्मू कश्मीर में देता है। हमारी जितने दरिया थे, हमारी जितनी खड्डे थी, सब लोग उन्होंने कब्जा किया। वो हमारे यहाँ रेत बजरी जो 1500 में मिलती थी, आजकल 10-10 हज़ार में मिल रही है। कोई DMO नाम का एक नया वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर आ जाता है, वो अपने आप को DM से भी ऊपर समझता है। तो ऐसे इतना यहाँ पे हौश पौश मचा हुआ, इतनी लूट मची हुई है कि हमारे यहाँ आप स्कूल में पढ़ते होंगे, हमारे ज़माने में किताब होती थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। तो यहाँ अंधेर नगरी बनी हुई है, यहाँ पे लूटा जा रहा है यहाँ पे जो, और सबसे पहले तो कठुआ को लूटा जा रहा है। आपको देख रहे होंगे यहाँ तो चेहरे भी आप आने वाले दिनों में आपके कैमरे में मुरझाए हुए आपको दिखेंगे। यहाँ कोई रोज़गार नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं तो पहले सबसे ये संपन्न जिला था और यहाँ पे हमारी जो आबादी की जो रेशो थी वो इतनी थी, हमारे यहाँ जो साधन संसाधन इतने थे कि हमारे लोग रोजी रोटी अपने यहाँ खुद कमाते थे, खुद खाते थे। अब सब लोग बाहर भागेंगे। बीजेपी तो बड़े दावे कर रही है खासकर इस एरिया को लेकर। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उनके पेड चैनल्स हैं, उनके अपने जो एक IT की जो फोर्स उन्होंने बना रखी है, तो नेचुरली जो लोग स्क्रॉल करते हैं, अंगूठा अपना घुमाते हैं, तो उनको तो वही डेवलपमेंट नज़र आती है, उसी के दावे करते हैं। और हम लोग भी जिस कम्युनिकेशन के युग में रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो यही है, जितना अच्छा परोस के वो दिया जाए, लोग उसी को सब कुछ समझने लगते हैं। लोग तो घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, सोचते हैं कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो हम लोग उसी ट्रेंड में मरे जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा DDC के इंतखाबात हुए, म्यूनसिपलिटीज़ के, उनकी तरफ से ये कहना होता है कि DDC में बहुत कुछ काम हुए हैं, म्यूनसिपलिटी ने माई प्राइड माई टाउन के ज़रिए बहुत ग्रीवेंसेज जो लोगों की थी हमने हल की है। तो अगर इस एरिया की हम बात करें, क्या कुछ हुआ? आप जाएं बैक टू विलेज के, वो दूसरा तीसरा उनका प्रोग्राम चल पड़ा। आप तो गांवों में घुसने भी नहीं देते, जो आपके ऑफिसर्स आते थे, जो डायरेक्टर आते थे, जो वीडियोज़ आते थे, सरपंच पंच इतने तंग हैं, ग्राम सभा वाले इतने तंग हैं, माई टाउन माई प्राइड की यहाँ कोई मीटिंगें नहीं हो पाई। कहने का मतलब है कि वो आते हैं ड्राइंग रूम में बैठते हैं, आसपास पुलिस लगी होती है, मीटिंगें वोटिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वो सोशल मीडिया में डालते हैं, लोग सोचते हैं यही तरक्की है। लेकिन आम ये है कि जब वोटों की बारी आती है तो उस समय उनको हिंदू मुसलमान याद में आया जाता है, तो लोग वो कैसे मॉब मेंटेलिटी को वो चेंज करते हैं, तो वो एक्सपर्टाइज हैं उसमें, उसको वो बनाते हैं। लेकिन यह है कि आम शहरी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रोड हो रहा है, हमारी यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारा स्टेट रूट छीना गया, हमने लोगों को संघर्ष करते हुए देखा कि UTO को कन्वर्ट होते देखा स्टेट रूट में, लेकिन हमारी स्टेट को कन्वर्ट करके कोई किसी ने BA की और उसको 10वीं का सर्टिफिकेट आप दे दो कि ये लो आप मज़े लो, आपके मज़े हो गए, तो वो हालात यहाँ बने हुए, हमारी नौकरियाँ यहाँ चलेगी, बाहर के लोग धड़ाधड़ यहाँ नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो पोस्टें पिछले दिनों निकली थी वो स्कैम्स में सारी डूबी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का था, फाइनेंशियल अकाउंट्स का था, या कहीं भी हो, पोस्टें निकालते हैं, लोगों से 2-4 हज़ार रुपये वसूल करते हैं, फिर उस पर फ्रॉड कर देते हैं। हर चीज़ पर इतनी धांधली है कि कोई BEd बच्चों ने कर रखी है, कोई टीचरों की पोस्टें 8-8 सालों से नहीं निकली हुई हैं, कोई नए स्कूल नहीं खुले हुए हैं, तो कहेंगे कहीं भी लोगों को यह है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। तो यह है कि हम सबसे लुटा ही आ रहा है, जब तक होश आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी है। पंकज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर में अब आज आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहाँ पे देख रहे हो? क्योंकि अगर इससे पहले हम 2-3 महीनों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने किनारा कशी की, बट अब वो वापस आ रहे हैं, तो आज आप कांग्रेस को कहाँ? नहीं नहीं, देखिए एक तोड़ने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, और आपने हर स्टेट में देखा होगा कि वह ग्रुप तोड़ते हैं, और यहाँ तो उन्होंने एक ऐसा एक आदमी को तोड़ दिया कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, गुलाम नबी आज़ाद जैसा आदमी जिसको कांग्रेस ने ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया हुआ था, उस आदमी को ही उन्होंने 2 आंसू बहा के गुजरात के नाम पे या कश्मीर के नाम पे उसको ही बरगला लिया, और उसके बाद सोचा कि पता नहीं कि इस प्रदेश में पता नहीं क्या उसका सिक्का चलेगा। तो वो आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और पीछे भी आपने देखा जो चंद साथी उसके साथ गए थे वो भी वापस आ गए हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस में नई लीडरशिप है, हमारे वकार सूल वानी जी नए अध्यक्ष बने हुए, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला दिन रात मेहनत करता है, तो हमारी बहुत अच्छी टीम है, युवाओं को आगे ला रहे हैं, हमारे सेंटर के लीडरशिप 12 जोड़ों में राहुल जी आ रहे हैं, उसका भी हमारे यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको जम्मू कश्मीर में एक अच्छा रिजल्ट सकारात्मक देखेगा, हज़ारों की संख्या में आपको लोग इस रोड पर मिलेंगे आपको, जो राहुल जी के साथ यात्रा करेंगे, एक नया संदेश होगा जो राहुल जी दे रहे हैं कि उन सब चीज़ों से ऊपर राहुल गांधी जी
एक गांधी की तरह एक साधारण टी शर्ट पहन के पूरे देश को उन्होंने एक नया संदेश दिया, और पूरी युवा पीढ़ी हम सब उनके लिए ग्रेटफुल हैं कि ऐसे समय में जब आदमी कार से 100 मीटर तक पैदल नहीं चलता, या कार से या जहाज़ के सामने उसकी गाड़ी लगी होती है, और वो आदमी इस गर्मी सर्दी तूफान में उफान में पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने के लिए रुका है, तो हैट्स ऑफ टू दैट फैमिली। हम इंदिरा जी के शहादत को सलाम करते हैं, राजीव जी ने जो कुर्बानी हम इस देश के लिए एकता और अखंडता के लिए दी है, और जो इस समय राहुल जी कर रहे हैं वो आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एग्जाम्पलरी रहेंगे, और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जिस उद्देश्य के साथ वो निकले हैं भारत जोड़ो के साथ वो सफल हो, और हम सब लोगों की गुड विशेज और दुआएं उनके साथ। चलो बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पंकज डोगरा जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कुठवा के प्रेसिडेंट है। इनसे आज हमने बात की कि जो भारत जोड़ो यात्रा है या जो बीजेपी के बड़े दावे हैं, तो इनका साफ यही कहना है कि बीजेपी के खोखले दावे हैं जम्मू कश्मीर को लेके, और भारत जोड़ो यात्रा आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे कि लोगों की हज़ारों की तादाद में रोडों में वेलकम भारत जोड़ो यात्रा को लेके होगी। आप भी मजीद अपडेट के लिए आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।